Dear students, I welcome you in the course of Leadership, Emotional Intelligence, Industry and Decision Making. This is module number 213. And our concern is to discuss the answer to the problem. We have to specify what are the answers to the specific problems. When we talk about problem solving, remember it's a process. Or this process, aur how you understand karna hai, how that problem can be addressed. कैन बी सॉल्व और उसके हम राइटफुल वो हासिल कैसे कर सकते हैं इस मकसद के लिए याद रखिएगा कि प्रॉब्लम डेफिनेशन का होना और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी का होना ये दोनों चीजें बहुत जरूरी कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि एक लीडर आउटकम हासिल क्या करता है इट इज नॉट द केस कि इफेक्टिव लीडरशिप इज लाइक वेन यू आर टॉकिंग अबाउट समबडीजा और हु इज वेरी एट्रैक्टिव हमें यह देखना होगा कि लीडरशिप के नो डाउट क्रिजमा के बावजूद भी आया दैट पर्सन इज एबल टू गेट द रिजल्ट इफेक्टिवनेस ऑफ द लीडरशिप कैन ओनली बी चेक थ्रू द रिजल्ट द आउटकम्स बिकॉज अगर आउटकम्स एंड रिजल्ट हासिल नहीं हो रहे हैं तो सिर्फ उस शख्स की पर्सनैलिटी माइट नॉट बी एबल टू गिव अस वट वी आर ट्राइंग टू इंटेंड सो रिमेंबर कि हमारे लिए बहुत जरूरी यह होगा कि हम फोकस करें आउटकम्स के ऊपर और रिजल्ट के ऊपर इस मकसद के लिए देर आर सर्टन एस्पेक्ट एसोसिएटेड विद प्रॉब्लम डेफिनेशन एंड दोस्पेक्ट आर गोइंग टू एलबोरेट टू अस कि प्रॉब्लम डेफिनेशन को हम मजीद कैसे बना सकते हैं फर्स्ट कंसर्न इज दैट द प्रॉब्लम शुड बी क्लियरली डिफाइंड और जब तक प्रॉब्लम क्लैरिटी नहीं होगी ऑब्वियसली स्टेक होल्डर्स भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि व्हाट इज द एक्चुअल इशू दैट वी नीड टू एड्रेस उसके बाद We have to focus upon the clarity of the specification that the CN processes as to what the decision has to accomplish. Kmara DCN main target or main objective. Because we our target and objective clearing a difficult problem ko properly comprehend or properly elaborate karna. The second aspect we need to focus upon is define clearly the conditions and constraints about the decision, which we mean is boundaries condition. कंडीशन एंड कंस्ट्रेंट क्या हैं वहां पर एंड कॉन्स क्या हैं वहां पर इश्यूज क्या हैं जिनको हमें सामना करना है और जब तक हम कंडीशन को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारे लिए बाउंड्री स्पैनिंग डिफाइन करना डिफिकल्ट होगा और हम उस प्रॉब्लम को अप्रोप्रियटली कंप्रीहेंड किए बगैर वुड नॉट बी एबल टू गेट द फ्रूटफुल आउटकम्स द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज वी हैव टू टू बी बी क्लियर हैज और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमें यह पता होना चाहिए कि कब हमने उस डिसीजन को अनडू कर देना है कब हमने उस डिसीजन से विड्रॉल हासिल कर लेना है कब हमने उस डिसीजन या उस कॉन्ट्रैक्ट को वो खत्म करना है बिकॉज जब तक हम डिसीजन को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ डील नहीं करेंगे डिसीजन के साथ फ्लेक्सिबिलिटी के साथ डील नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारे लिए राइट right आउटकम्स की तरफ जाना वो डिफिकल्ट होता है सो अकॉर्डिंग टू द ऑथर इट इज एडवाइज कि वी शुड बी क्लियर वेन ए एस्पेक्ट

प्रॉब्लम को अलैबोरेट सही तरीके से करें और प्रॉब्लम सॉल्विंग डिटेल्ड प्रोसेस उसके उसके प्रोसीजर्स हैं हैं अंदर स्टेप्स इन केटन वर्ड्स जिसमें क्वांटिटी और क्वालिटी इन दोनों चीजों को अप्रोप्रिएटली इलेबोरेट वो किया गया हो डियर स्टूडेंट्स अगर हमें सारी बात को कंप्रीह करें इस सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखिएगा कि प्रॉब्लम को अगर हम हल करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को एलेबोरेट सही तौर करना होगा जब प्रॉब्लम अपने सही डेफिनेशन के साथ पेश की जाती है तो फिर डिसीजन मेकिंग हमारे लिए आसान हो जाती है बिकॉज हम ये अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि वट आर द नीड्स वट आर द इशूज दैट वी नीड टू स्पेसिफिकली एड्रेस क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव तमाम प्रस्पेक्टिव हमारे लिए क्लियर हो जाते हैं थैंक यू